दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। शनि के कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। ग्रहों में इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका काल चक्र 27 सालों में आता है। इन 27 सालों में देखे व्यक्ति जैसा करता है शनि देव अपने काल चक्र में वैसा ही परिणाम देते हैं। अच्छे काम किए जाने पर अच्छे कार्य काल में शनि देव मालामाल भी कर देते हैं और गलत करने पर राजा से रंग भी बनाते हैं। और जो कि देखिए ज्योतिष में शनि को कर्म से लेकर आजीविका, जनता, सेवक, नौकरी, परिश्रम, तकनीकी कार्य, मशीनें, गहन अध्ययन, अध्यात्म, तपस्या, पाचन तंत्र, हड्डियों के जोड़, लोहर, पेट्रोलियम का कारक माना गया है। इस कारण हर कोई शनि को शांत और प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य के पुत्र और छाया के लाल कर्म फलदाता शनि ग्रहों में इकलौते ऐसे देवता हैं जिनकी दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच पाया, जो कि इनका काम ही इंसान को कर्म अनुसार उसे परिणाम देना है। इसलिए इनके नाम से देखे हर कोई भयभीत रहता है। ज्योतिष कहते हैं कि शनि के कुंभ राशि में होने से मकर, कुंभ, मीन राशि वालों पर फिलहाल तो देखिए शनि की साढ़े साती चल रही है। कर्क, वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव है और जो कि देखिए इन्हीं राशियों पर शनि की तिरछी नजर रहेगी, इसलिए शनि की दशा का प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा है। अब तक तो देखिए शनि अस्त रहे हैं, उनके शुभ परिणामों में कमी देखी गई है, लेकिन उदित होते ही शनि की कृपा आम जनमानस को बड़ा लाभ पहुंचाएगी। जी हाँ, ग्रह नक्षत्र की गणना ये कहती है शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं, 30 जनवरी को कुंभ में ही अस्त हो गए हैं। ऐसे में कुछ राशि वालों के लिए ये समय मुश्किलों से भरा हुआ है। अब शनि 9 मार्च को फिर से कुंभ में उदय कर कुछ राशि के जातकों को शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। इस दौरान शश महापुरुष योग का भी निर्माण होगा। तो ऐसे में कौन सी राशियां करोड़ों में खेलती हुई नजर आएंगी, आइए जान लेते हैं ज्योतिष अनुसार वो कौन सी सबसे भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें शनि के उदित होने से सबसे बड़ा लाभ होगा। कुंभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी को गोचर कर चुके हैं और 2.5 साल तक इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शनि को कुंभ में उदय होना इस राशि के जातकों के लिए लाभदायी रहने वाला है। बता दें कि इस राशि में शनि का शश महापुरुष राजयोग बन रहा है। इस दौरान राजनीति से जुड़े लोगों को मान सम्मान में वृद्धि होगी, किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान व्यापारियों को भी विशेष लाभ होने वाला है। बता दें कि शनि इस राशि के लग्न भाव में गोचर करने जा रहे हैं और इसलिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। सिंह राशि। शनि का उदय इस राशि वालों के लिए भी विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है। शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है। वहीं अगर पार्टनरशिप में व्यवहार कर रहे हैं तो लाभ होगा, कोई बड़े व्यापारिक डील पक्की कर सकते हैं। इस दौरान काफी मुनाफा होगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। वृष राशि। वृष राशि वालों की गोचर कुंडली के दशम भाव में शनि का उदय होने जा रहा है। इस भाव को नौकरी और व्यापार का भाव माना गया और ऐसे में इस अवधि में काम कारोबार में खासा लाभ होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान प्रस्ताव आ सकते हैं। तो वहीं व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल है।